तो फाइनली गाइस हमारे भाई का यहाँ पे एस लग चुका है, मेरी रैंक लीडर बोर्ड के अंदर टॉप 65 चल रही है और यहाँ पे भाई मुझे 50 टू 60 पॉइंट और चाहिए टॉप 30 जाने के लिए। आपका रैंक क्या चल रहा है पहले मुझे जल्दी से ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। और यहाँ पे आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आपकी डिमांडेड वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बताया कि भाई आप कैसे ज्यादा प्लस निकाल सकते हो अभी के टाइम 6 घंटे की लिमिट के अंदर। तो भाई वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो कैसे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन आ चुका है क्राउन टू कॉन का रैंक पुश कैंप लूडे लेकर। यहाँ पे भाई वैसे तो मेरा एस लग चुका है बट ये वाला गेम प्ले मैंने क्राउन पे रिकॉर्ड करा था और यहाँ पे मेरे इस सीजन के सबसे ज्यादा हाई किल जो मैंने करे हैं इस वाले मैच के अंदर करे हैं। तो भाई वीडियो का एंड तक जरूर देखना क्योंकि किल भाई दबा के निकालने वाला हूँ और बैक टू बैक फाइट आपको देखने को मिलने वाली है और यहाँ पे आपको कैसे ज्यादा प्लस निकालना है वो भी फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले सबसे पहले ये देखो मेरे नेट के नशे जो चल रहे हैं भाई काफी गलत वाले चल रहे हैं। सब बंदे आ चुके हैं नीचे, फाइट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है और यहाँ पे भाई मैं पता नहीं कौन सी ही दुनिया में अभी तक चल रहा हूँ। बट कोई नहीं, थोड़ी देर में अपना नेट भी सही हो जाएगा। बट उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ भाई, देखो रोज बता रहा हूँ आपको इवेंट पे आओ किल उठाओ बट यहाँ पे आपको पता है कि आपकी लोबी के अंदर भाई एवरी मैच के अंदर अभी तो भाई ये सीन चल रहा है कि हर मैच के अंदर 2 से 3 चीटर आपको मिलते ही मिलते होंगे। मोस्टली कभी कभी आपको ऐसा होता होगा कि नहीं मिलते होंगे, जैसे कि मुझे इस मैच में चीटर नहीं मिला। तो यहाँ पे भाई जो मैं खेला हूँ वो आपको दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर भाई मैं कैसे किल उठाता हूँ, कैसे मैं फाइट ले रहा हूँ, क्या टैक्टिक अप्लाई कर रहा हूँ और कैसे मुझे सबसे ज्यादा प्लस मतलब अच्छा खासा प्लस इस वाले मैच के अंदर देखने को मिलेगा। तो भाई वीडियो के एंड तक जरूर देखना, फिर बोल रहा हूँ। और यहाँ पे देखो ये भाई साहब पता नहीं अलग ही दुनिया में इस बंदे को टेकडाउन यहाँ पे फिनिश किया और यहाँ पे टीममेट के मुंह पे बंदा था। भाई देखो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि इवेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा किल उठा लूँ और यहाँ पे किल फीड रीड करना मेरी आदत है, आपको भी अपनी आदत बना लेना है क्योंकि किल फीड रीड करोगे तो आपको फायदा देखने को मिलेगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपके इवेंट पे ऑलरेडी कोई चीटर तो नहीं है ना जो भाई गलत मार रहा हो या फिर गलत ही हैट्रिक आ रहा हो। इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपके इवेंट पे होगा या फिर आपकी लोबी के अंदर भी होगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से खेलना है, सर्वाइव करके खेलना है या फिर रश करके खेलना है। अब आपकी लोबी के अंदर चीटर नहीं है तो आपको ट्राई करना है कि इवेंट के ऊपर ज्यादा ज्यादा किल उठाओ, उसके बाद अपन बाहर जाते हैं ना तो बाहर जाने के बाद भी आपको ज्यादा ज्यादा किल उठाने हैं और आपको लग रहा है कि भाई चीटर बिल्कुल भी नहीं है। तो रिकॉल से पहले पहले तो किल उठाओ उठाओ बट रिकॉल खत्म होने के बाद भी थोड़ा सा रश करके खेलो जिससे आपको प्लस ज्यादा देखने को मिलेगा, किल ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे भाई देखो मेरा टीममेट मुझे सिर्फ कवर देके खेल रहा है क्योंकि भाई मेरे टीममेट को इस मैच के अंदर सिर्फ मुझे कवर देना था क्योंकि मुझे कंटेंट रिकॉर्ड करना था और यहाँ पे मुझे किल्स भी उठाने थे। तो किल उठाऊंगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा प्लस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इस वाले मैच के अंदर मेरे जो किल होने वाला है वो देखते जाना एंड तक और यहाँ पे जो मुझे प्लस भी मिलने वाला है वो भी आप देखना। और यहाँ पे फाइट तो आप एंजॉय करो, लास्ट जोन के अंदर तो गलत वाली फाइट होने वाली है, नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे जो सर्वाइव होने वाला है वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है और फाइट तो बैक टू बैक गलत वाली निकल के आने वाली, देखते जाओ। यहाँ पे देखो सामने, अब यहाँ पे गाइस एक बात पहले ही बोल देता हूँ, आज का वीडियो थोड़ा सा कहीं ना कहीं 16 मिनट का है तो वीडियो का एंड तक देखना क्योंकि अब जो आगे बताने वाला हूँ। वो आप में से काफी सारे भाइयों की प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट सेक्शन में एक के बाद पूछी जाती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भाई हमें एवरी डे कितना पॉइंट निकालना चाहिए, मेरा टीयर डायमंड है, मेरा क्राउन है तो भाई मैं कितना पॉइंट करूँ, मेरा कितने दिन में कॉन्कर हो जाएगा। तो भाई देखो आप प्लेटिनम पे हो ना, आज से अगर कॉन्कर रैंक पुश स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई कर लो, 300 पॉइंट 400 पॉइंट आपका निकल जाएगा क्योंकि अभी रैंक एस पे जा चुकी है। तो भाई जो बंदे लो टीयर पे है उनको ज्यादा प्लस मिलेगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे क्राउन पे थोड़ा प्लस कम मिलेगा और यहाँ पे एस पे थोड़ा कम प्लस मिलेगा। अभी आएगा पानी से आराम से अपना। और यहाँ पे जो बंदे अभी डे वन से स्टार्ट करेंगे उनके लिए तो आज का डे वन हो गया ना, आज से अगर प्लेटिनम से स्टार्ट करते हो आप तो भाई आपको तो प्लस देखने को मिल जाएगा बट यहाँ पे क्राउन पे थोड़ा सा प्लस कहीं ना कहीं कम है और यहाँ पे एस पे कम है। तो भाई आप ट्राई करो कि ज्यादा किल करोगे, किल करने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ कि टीममेट ऐसा लो जो आपको कवर देके खेले ज्यादा बेटर रहेगा, इससे आपको ज्यादा प्लस देखने को मिलेगा। बट हाँ 1v1 1v2 आप इजी निकाल पाना यहाँ पे डिपेंड होगा। और यहाँ पे देखो आपको एक गोल भी सेट करना है, अगर आप लो टीयर पे हो तो भाई आपको 400 प्लस मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ पे डायमंड या फिर क्राउन पे हो ना तो 300 प्लस मिल जाएगा आपको। बट हाँ देखो 6 घंटे की लिमिट है,
छः घंटे में से भाई 100 प्लस अपन ए 2 घंटे के निकाल सकते हैं, इजी निकाल सकते हैं भाई, कोई भी बंदा निकाल लेगा। और आप निकाल नहीं पाते हो गलती से तो भाई आप 250 पॉइंट तो निकाल ही लोगे ना, 250 भी नहीं निकालते तो 200 पॉइंट निकाल लोगे। तो भाई अगर आप क्राउन वगैरह पे हो तो 200 पॉइंट एवरीडे निकाल रहे हो, तो भाई आपको खुद को आइडिया लगा लेना है जैसे ही चले जाए इससे थोड़ा सा ऊपर कॉन्करर, जैसे कि 4300 पॉइंट पे, तो एवरीडे जब तक एस मास्टर नहीं जाता है, मतलब 4700 या फिर 800 पॉइंट नहीं जाता है कॉन्कर के लिए, तब तक आपको एवरी डे 150 से लेके 100 पॉइंट बढ़ते हुए दिखेगा, और उसके बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉइंट कम बढ़ेगा, ये बात दिमाग में रख लेना, अभी बता रहा हूँ। और यहाँ पे तो बंदा दोबारा आया था, फिर इस बंदे को फिनिश किया। देखो अब यहाँ पे इवेंट पे मेरे किल 10 हो चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि भाई मुझे बंदे ढूंढ ढूंढ के मारने हैं, क्योंकि मुझे किल उठाने थे। और यहाँ पे अभी तक मेरा रिकॉल टाइमिंग बचा हुआ था, और यहाँ पे मैंने किल फीड भी रीड करी, तो भाई मुझे तो कोई बंदा यहाँ पे डाउटफुल लगा नहीं, तो भाई मैं बंदे पकड़ने वाला हूँ। और यहाँ पे अब देखो क्या सीन होने वाला है। अब यहाँ पे भाई पीछे से भाई यूएमपी पड़ी, पता भी नहीं चला, रिकॉल हुआ। यहाँ पे आया टीममेट ने उस बंदे की बग्गी का टायर फोड़ दिया था, बंदा भाई पत्थर पे था। मैं जाता हूँ पीछे से चुपचाप, इससे पास आता हूँ तो उसका ध्यान आपकी साइड ही रहे, उसको बैन हुआ। और यहाँ पे भाई एक टट्टा बैन होता है ऑन, भाई पहली बार देखा मैंने कल जो कि लाइव होते हुए बंदा बैन देखा पहली बार। मारो मारो मारो, इससे बस प्रेशर बना रहा हूं मैं, रुक के। अब ये बंदा भाई जो कि पीछे से मुझे मारता है, इसको भी पीछे से इसका नतीजा दिया इसको। यहाँ पे अपनी क्रेट वगैरह लूट के निकलता हूँ आगे की साइड, और यहाँ पे भाई रिकॉल टाइम भी खत्म होने वाला था, तो टीममेट को बोला ध्यान से फाइट लेना भाई। और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे गलत सीन होने वाला, देखते जाओ कैसे। अब एक बार के लिए तो लग रहा था कि बंदा गलत है। डैमेज है, अनिक पिया। गुड मॉली, गुड मॉली। टीममेट को बोला आराम से। आराम से हील कर रहा हूँ मैं। मारो मत, रुक जाओ। ऑटोरे वाले को कंधे पे ले ले। अब यहाँ पे रिकॉल खत्म हो चुका था, और भाई इन बंदों के साथ तो मोई मोई हो चुका था, क्योंकि इनको रिकॉल कहीं ना कहीं नहीं मिलने वाला था। इन दोनों बंदों को फिनिश किया, रिकॉल खत्म हो चुका था। हम वही अपना तरीका जो अप्लाई कर रहे थे आराम से खेलने का, थोड़ा सा अगर साइड बाई साइड कोई टीम मिलती तो उससे फाइट लेंगे। हम यहाँ पे आते हैं जोन में पोजिशन होल्ड करने के लिए, बट यहाँ पे जो सीन होने वाले हैं भाई, सोचा नहीं था कि बंदे कैंप करके बैठे होंगे, क्योंकि हम घुमाते भी हैं और उसके बावजूद बंदे जो कैंपिंग करके बैठे होते भाई, अगर गलती से पहले उतर जाते तो गलत वाले सीन हो सकते थे। अब यहाँ पे देखो क्या होता है। अब यहाँ पे लग नहीं रहता कोई बंदे होंगे, बट तभी बंदा आया इधर, मुझे फुटप्रिंट आया, टीममेट को बोला बंदा है नीचे एक। और यहाँ पे भाई सामने वाले घर में भी बंदा होता है, ऊपर से बुड़ के। अब यहाँ पे टीममेट को बोला बंदे को फिनिश कर, सामने वाला बंदा कहीं ना कहीं नेट ट्राई करेगा, ये मुझे डाउट आ चुका था, मैं पीछे हटता हूँ। उसने भी कुछ नहीं किया, क्या कैंपर बंदे हैं। और अब देखो इस बंदे का सीन क्या होता है। अब यहाँ पे टीममेट के भाई वाटर बलून क्या बोलता है XYZ इसको जो भी है, कि वजह से ये बंदा भाई गलत वाला फिनिश होता है। अब यहाँ पे सीधा भाई, क्योंकि अपने पास किल अच्छे खासे आ चुके थे, तो दिमाग में एक ही चीज थी कि भाई चिकन निकालना है कुछ भी करके, तो यहाँ पे जो चिकन निकलने वाला है ना वो देखना कितना खतरनाक सीन होने वाला है। अब यहाँ पे ये भाई साहब होते हैं, इसको टेकडाउन दिया।
और देखो अब भाई जो रश आने वाला ना वो खतरनाक रश है, देखो यहाँ पे भाई हैकर वाली वाइब कहीं ना कहीं भाई इस लड़की ने तो दिया गलत वाला वाइब। अब यहाँ पे इसको भी फिनिश किया और यहाँ से हम सीधा भाई जोन जाना था क्योंकि जोन निकल चुका था, लग रहा था यहाँ पे आएगा बट यहाँ पे नहीं आ, हमारे सिवा अभी भी 12 बंदे बचे हुए थे और यहाँ पे टीममेट को एक ही बात बोलता हूँ कि जल्दी निकलते हैं क्योंकि अपने को जोन में पोजिशन भी लेनी है। अब जैसे निकलने की ट्राई करता हूँ भाई ये स्प्रे आता है पीछे से, टीममेट को बोला आजा भाई निकलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे जैसे ही मैं भाई निकल रहा था मुझे हल्का सा बंदा दिखा सामने वाले पेड़ पे, मैंने टीममेट को बोला कि भाई बंदा है पेड़ पे लेटा हुआ है और यहाँ पे टीममेट को बोला कि तू ड्राइव करके आगे जा और हो सके तो बंदे को उड़ाना बलून से। नहीं लेटा हुआ। और टीममेट ने उड़ाया बंदे को, इस बंदे को फिनिश किया। अब यहाँ पे भाई मेरे पास कहीं ना कि ग्रोजा की एमओ कम थी, टीममेट को बोलता हूँ कि भाई मैं पास वाले घर से एमओ उठा लेता हूँ तो तब तक इधर ही रुक। अब यहाँ पे दूर से भी स्प्रे आ रहा था तो भाई जोन में जाना है, पोजीशन लेनी है। इस बंदे की किस्मत हाथ में वायर फंस चुकी थी जिसकी वजह से ये बंदा बच के निकल जाता है। टीममेट को बोला जोन कट चुका है जल्दी आ मुझे देख कर लेके। अभी यहाँ पे जो गाड़ी वाला रुका हुआ था आई थिंक वो बंदा फिनिश हुआ था, आई डोंट नो कोई और गाड़ी वाला नो पीछे वाला। टीममेट ने बंदे को उतारा यहाँ पे भाई सामने की साइड बंदा दिखता है और यहाँ पे क्योंकि फुट साउंड आ रहा था तो मैं एक नेड़ की पिन खींचता हूँ और सीधा फेंकता हूँ। अब ये बंदा भाई ऐसा गायब होता है जिसका भाई बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता कि बंदा कहाँ चला गया था। बंदे की लोकेशन आई, मैं निकलता हूँ और यहाँ पे टीममेट भी आता है और यहाँ पे ये बंदा देखो भाई कहाँ अनविजिबल हो जाता है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता कि बंदा कहाँ गया। अब मेरे को लगा कि भाई जोन के बाहर बाहर चला गया होगा, शायद घूम के निकल गया, उड़ के निकल गया हो, मतलब ब्लून वल मार के उड़ के निकल गया हो, ये मुझे लगा। मैं सीधा निकलता हूँ कि इस बंदे को छोड़ और अपने को आगे साइड निकलना चाहिए। अब आगे भाई ऑलरेडी जोन में बंदा है और हमको पोजीशन लेनी है तो देखो कैसे लेते हैं। अरे बैठा हो तो मैं तो हील भी नहीं थी, हील क्या रहा फुल भी नहीं था। और आप देखो फुल एपिक सीन आने वाले खतरनाक वाले, चलो कर ले लो बंदा आ रहा है लेफ्ट में को, यहां पे रुका। अब यहां पे मेरे 20 किल हो चुके थे तो भाई मुझे ध्यान से खेलना था। पीछे से अलग पड़ी, ऊपर से अलग पड़ी, ऊपर वाला बंदा नीचे गिर जाता है। टीममेट ने मोली मारी, एक बंदा यहाँ पे टेक डाउन फिनिश हुआ। भाई बंदे की किस्मत नेक्स्ट लेवल है। अब यहाँ पे मुझे लगा कि बंदा पैनिक रूम में गया, मैं रूम में मोली करता हूँ एक। बट भाई बंदा तो इस साइड था, यहाँ पे मैं नोक होता हूँ, टीममेट को बोलता हूँ मैं ऑटो रिवाइव हो जाऊंगा, तू बंदे को पैनिक रख आने मत देना बस। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता मेरे टीममेट का और इस बंदे का क्या सीन चल रहा था, दोनों डीबीएस खेल रहे बट कोई भी नोक नहीं हो रहा था। यहाँ पे बंदे को मैंने सीधा डाउन किया और फिनिश किया। टीममेट बोलता है कि मैंने उसको नहीं मारा, वो रैब आप रैब हो गए थे इसलिए मैंने उसको नहीं मारा, बट कोई नहीं यहाँ पे मुझे किल मिला उसकी खुशी है। यहाँ पे बंदे ढूंढ रहे थे सामने की साइड तभी ये भाई साहब ओपन से आते हुए दिखते हैं, इस बंदे को फिनिश किया। 22 किल हो चुके थे, यहाँ पे हमारे सिवा 2 बंदे बचे हुए थे। यहाँ पे टीममेट को बोला आई थिंक दोनों टीममेट है, एक तो मेरे पे ठीक है एक है इस घर में। अब यहाँ पे दोनों बंदे उधर ही थे, यहाँ पे एक बंदा फिनिश हुआ, अब यहाँ पे लास्ट बंदा बचा हुआ था। और यहाँ पे गाइस आप को अभी तक जरा भी गेम प्ले अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जल्दी से ऑक्सीजन फैमिली मेंबर बन जाओ, ऑक्सीजन आर्मी में ज्वाइन हो जाओ।
यहाँ पे टीममेट बोलता है मोली वगैरह मैं देता हूँ ना तुम मारो। यहाँ पे भाई बंदा ऊपर से नीचे चले जाता है, मैं जैसे ऊपर आता हूँ अब इस बंदे को कोई फुट प्रिंट कोई फुट साउंड वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अब ये बंदा पता नहीं कहाँ चले जाता है, बट होता है बंदा, देखो कहाँ होता है। ट्राइडेंट बनाओ, रुको ट्राइडेंट यूज करूँ। अब यहाँ पे जैसे मंदिर की साइड जा रहा था तब ये भाई साहब निकल के आता है पीछे से और यहाँ पे इस बंदे को फिनिश किया। 23 किल इस वाले सीजन के मेरे हो चुके हैं, बट इसको भी ब्रेक करने की ट्राई करूंगा। बाकी यहाँ पे आपको हाईएस्ट प्लस कितना मिला है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पे ये मेरा क्राउन 2 का गेम प्ले, बाकी देखो मुझे प्लस कितना मिलता है। तब तक के लिए लव यू ऑक्सीजन फैमिली एंड बाय, मिलते हैं कल ऐसे ही खतरनाक वाले गेम प्ले के साथ। 45 का प्लस मिला मुझे इस वाले मैच के अंदर। तो